वह गुस्से से चिल्लाया, यू बास्टर्ड, रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी माँ को चोट नहीं पहुँचाने दूंगा, कमीने। उसने नारियल के तेल को किचन के गेट के चारों तरफ फैला दिया और वापस त्रिशा के पास आ गया। वह आदमी जैसे ही दरवाजे को तोड़कर अंदर आया, अभय ने बचे हुए नारियल के तेल को उस आदमी के ऊपर उड़ेल दिया। उसने एक बच्चे की तरह बिल्कुल भी व्यवहार नहीं किया। अभय ने जल्दी ही आदमी के ऊपर एक के बाद एक चीजें फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में उन आदमियों से बचने के लिए इससे अच्छा कोई प्लान नहीं आ रहा था। वह उन आदमियों को ना तो यहाँ मार सकता था और ना ही छोड़ सकता था, इसलिए उसे फिलहाल उन आदमियों का ध्यान भटकाना ही ज्यादा सही लगा। वह आदमी अभी भी क्लियर रूप से देखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और गुस्से से आग बबूला हो रहा था। आदमी गुस्से से चिल्लाया, अरे तुम अनाथ कमीने, रुको, मैं तुम्हारे पिता की ओर से तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाने जा रहा हूँ। त्रिशा चौंक गई, इस आदमी को कैसे पता चला कि अभय के पिता नहीं है? त्रिशा का दिमाग तुरंत अजीब ख्यालों से भर गया। क्या ये मात्र कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? क्या ये हो सकता है कि यह चोरी कोइंसिडेंस नहीं बल्कि प्लान्ड हो? वह आदमी आगे बढ़ा। वह अभी भी भयंकर रूप से चिल्ला रहा था। उसने नीचे गिरे नारियल के तेल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उस पर पैर रख दिया, जिससे वह अपना बैलेंस खो दिया और फिसल गया। गिरते समय उसका सिर मेज के कोने से जोर से टकराया। वह आदमी जोर से जमीन पर गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। त्रिशा ने अभय को पकड़ लिया और आदमी के गिरने के बाद दरवाजे की ओर भागी। त्रिशा रेस्टोरेंट के हाल में पहुंची थी कि उसे सामने से पुलिस आती हुई दिखाई दी, जिसने दूसरे आदमी को पकड़ रखा था। पुलिस ने दूसरे आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया। चूंकि रेस्टोरेंट के चारों तरफ कैमरा लगा हुआ था, इसलिए पुलिस को पता था कि उन्हें आगे क्या करना है। ये चोरी का मामला और सेक्सुअल असॉल्ट का प्रयास जैसे गंभीर अपराध थे। वह व्यक्ति भी फिसल कर बेहोश हो गया था, पर इसका विक्टिम्स यानी त्रिशा से कोई लेना देना नहीं था। इसे केवल खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस माना जा सकता है। पुलिस ने उन दोनों व्यक्ति को ले जाने से पहले त्रिशा से कुछ सवाल पूछे, फिर उन्होंने सारे एविडेंस कलेक्ट किए और उन गुंडों को पुलिस वैन में भर कर ले गए। त्रिशा और अभय दोनों गहरी सांस ली। आखिरकार वह दोनों इतने बड़े हादसे से बच चुके थे। अभय को अब जाकर आखिरकार अपने पूरे शरीर में बहुत दर्द महसूस हुआ था। उसने महसूस किया कि अब उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, क्योंकि शायद वह अब केवल 4 साल के बच्चे में बदल चुका है, इसलिए वह इतना कमजोर महसूस कर रहा है। अभय त्रिशा की बाहों में छिप गया और उसके यंग और ब्यूटीफुल चेहरे को देखा। उसने धीरे से कराहते हुए कहा, मम्मी दर्द हो रहा है। उसे अचानक लगा कि वह सिर्फ 4 साल का बच्चा है जो अपनी माँ के सामने अपनी मर्जी से शरारतें कर सकता है, उससे शिकायत कर सकता है और उसे बता सकता है कि माँ मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अभय के पिछले जन्म में भी यही घटना हुई थी। त्रिशा ने उसे बचा लिया था, लेकिन उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अभय धीरे धीरे करके अपने पिछले जन्म की यादों में खो गया। जब इन आदमियों ने उन पर हमला किया था, उसे समय अपने आप को और मुझे बचाने के लिए माँ ने उस आदमी की आंख में चाकू घोंप दिया था, और उस आदमी खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला। उसकी माँ के एक्शन काफी तेज थे। हालांकि उस आदमी ने भी त्रिशा की 2 उंगलियां तोड़ दी और एक जोरदार वार किया, जिसके बाद उसे एक कान की सुनने की शक्ति भी चली गई। इतना ही नहीं, पड़ोसी उसके बारे में बातें भी करने लगे थे। उसके पीठ पीछे त्रिशा को काफी भला बुरा कह रहे थे और अश्लील बातें बना रहे थे, भले ही चोर ने उसको हैरेस्ट नहीं किया था। पड़ोसी उसके साथ सहानुभूति रखने का नाटक कर रहे थे, लेकिन वे दूसरों के सामने गंदी अफवाहें फैला रहे थे। घटना के बाद और भी लोग आए और उन्होंने तरह तरह की बात करके परेशान किया करते थे। अंत में उनके पास रेस्टोरेंट बंद करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। उसके बाद एक दिन अचानक से एक भयानक आग पूरे रेस्टोरेंट में लग गई और उस आग ने पूरे रेस्टोरेंट को जला दिया और त्रिशा की मौत हो गई। उस आग में न केवल रेस्टोरेंट को जलाया था, बल्कि उसकी प्यारी माँ त्रिशा को भी अपने साथ समा लिया था और जला दिया था। अभय की सारी खुशियां और उसका सारा बचपन को भी समा लिया था। उसके सामने है उसका रेस्टोरेंट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था और वह कुछ नहीं कर पाया था। अभय को इस भयंकर हादसे के अलावा और भी कुछ ऐसी चीज याद आ रही थी जो उसके दिल में नफरत और बेतहाशा गुस्से को भड़का रही थी। कुछ ऐसी घटनाएं जिसके कारण उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। उसकी आंखों के सामने एक एक करके वह हर एक इंसान आ रहा था जिसका उसकी माँ के मारने के पीछे हाथ था। बिल्कुल त्रिशा की मौत कोई हादसा नहीं थी,
बल्कि यह एक साजिश के तहत किया गया था। पूरी प्लानिंग के साथ उसकी माँ का मर्डर किया गया था। अभय ने त्रिशा से अपनी आंखों में जानलेवा इमोशन छिपाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अभय ने मन ही मन सभी लोगों को ढूंढने और जान से मारने की कसम खाई जिन्होंने उसकी माँ को चोट पहुँचाई थी, और जिसका उसकी माँ के मर्डर के पीछे हाथ था, उन सभी को उनके किए गए गुनाह की सजा वो खुद अपने हाथों से देगा। अगर सच में उसका नया जन्म है तो वह इस जन्म में पिछली गलतियों को बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहेगा। अपनी पिछली जिंदगी में जो उसके साथ ट्रेजेडी हुई थी उसने उसे अवॉइडेड कर दिया था, शायद ये नई शुरुआत थी। अभय ने अपना छोटा सा चेहरा उठाया और त्रिशा के मासूम और प्यारे चेहरे को देखते हुए उसने कसम खाई कि बार आगे माँ को एक पीसफुल और अच्छी लाइफ देने की कोशिश करेगा। वह भगवान का शुक्रगुजार है, उन्होंने उसे दूसरा मौका दिया अपनी जिंदगी में सब कुछ सही करने का और अपनी माँ की जिंदगी बचाने का। हाँ बिल्कुल, वह इस बार पूरी कोशिश करेगा कि जो भी पिछली बार हुआ था वह सब बिल्कुल ना हो, खासतौर तब जब उसे पता है कि आखिर गुनहगार है कौन। वह कोशिश करेगा कि उन लोगों की परछाई भी उसकी माँ तक न पहुंचे। इतना सोचने के बाद उसने अपने छोटे से शरीर को देखा। वह बहुत कमजोर हो गया था, पर उसकी माँ के गुनहगारों के पास ताकत और पैसा कुछ ज्यादा ही है। शायद उसे अपने लिए कुछ सहयोगियों की तलाश करनी चाहिए, पर किसकी आखिर कौन है जो उसकी मदद कर सकता है। तभी अभय के दिमाग में एक नाम आया, अभिमन्यु रायजादा, उसके बायोलॉजिकल फादर अभिमन्यु रायजादा। हाँ वह उसका पिता है, लेकिन अभिमन्यु को अभी तक उसकी माँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वह कहाँ है, और ना ही उसके बारे में पता है कि उसका एक बेटा भी है। फिर ऐसे में क्या उसके कंजूस पिता उसकी मदद कर सकते हैं? वह भला एक अनजान की मदद क्यों करेंगे? लेकिन अभिमन्यु राय ज्यादा ही एक ऐसा इंसान है जो उन सभी गुनहगारों से सबसे ज्यादा ताकतवर और पावरफुल है, और वह काफी अमीर भी है। वह एक परफेक्ट इंसान उसकी माँ के कातिलों की सजा दिलवाने के लिए। अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त सख्त थे। उसने त्रिशा पर ध्यान नहीं दिया जो कि कब से उसे ही देख रही थी। त्रिशा अभय के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को काफी ध्यान से देख रही थी, और जब उसने देखा कि अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन कितने ज्यादा खराब है तो उसका दिल टूट गया। उसे पता था कि अभय को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब वह और ज्यादा देर करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने अभय को वहीं जमीन पर लिटाया और तुरंत दूसरे फ्लोर की तरफ भागी। उसने अपना जैकेट, पर्स और फोन लिया, और नीचे आने के बाद उसने अभय को अपनी बाहों में उठाया और सीधे हॉस्पिटल की ओर चल पड़ी। जब तक वह हॉस्पिटल पहुंची, अभय पहले से ही बेहोश था। डॉक्टर ने उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में भेज दिया। त्रिशा की नजर केवल इमरजेंसी रूम के रेड लाइट पर ही थी। वह कमरे के बाहर एक जगह बैठने के लिए स्ट्रगल्ड कर रही थी। सूरज की रोशनी वार्ड के पर्दों से होकर अंदर आ रही थी। त्रिशा बिस्तर के पास लेटी हुई थी। इसी बिस्तर के बीच में एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था जिसका हाथ त्रिशा के हाथों में उलझा हुआ था। बच्चा गोल मटोल, चबी, एडोरेबल और प्यारा था। उसका चेहरा गोल और कोमल था, एक स्नोबॉल की तरह। उसके फेशियल फीचर्स बेदाग थे। उसकी पलकें इतनी लंबी थीं कि कोई भी उसे देखकर ईर्ष्या से भर सकता था। हालांकि उसका चेहरा गोल मटोल थोड़ा चबी टाइप का था, लेकिन कोई उसके चेहरे को ध्यान से देखे तो उसे अभी भी उसमें अभिमन्यु का चेहरा दिखाई दे सकता है। तभी उस बच्चे की पलकें कांप उठी। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसकी आंखें खाली थीं। वह जल्द ही बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा, जब तक कि उसने त्रिशा को बिस्तर के पास गहरी नींद में सोते हुए नहीं देखा। तब तक उसकी आंखें बेचैनी से लगातार इधर उधर भटक रही थीं। वह आखिरकार राहत में धीरे से मुस्कुराया। वह इस वक्त किसी खोए एक छोटे से खरगोश की तरह था जिसने आखिरकार अपनी माँ के पास वापस जाने का रास्ता खोज लिया हो। अभय डरा हुआ था। उसे लगा कि वह जब जागेगा तो उसके लिए यह सब कुछ केवल एक सपना होगा, लेकिन आश्चर्य रूप से यह केवल एक सपना नहीं था, अब यह लकली सच हो गया था। हाँ यह सच था, उसने एक नया जीवन पा लिया था। वह फिर से अपनी लाइफ को शुरू कर सकता था। इट्स अ मिरेकल। यस ऑफ कोर्स इट इज अ मिरेकल। ये एक मिरेकल ही तो था जो वह मरकर भी दोबारा जिंदा हो गया था। इसे केवल मिरेकल ही कहा जा सकता था। अभय धीरे से त्रिशा के करीब चला गया। अपने दूसरे जीवन में उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह अपनी माँ को दुनिया की हर एक खुशियाँ दे और उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। डॉक्टर ने त्रिशा को बताया कि उस आदमी की किक बहुत स्ट्रांग थी और उसने उसके बेटे को सर में चोट लगने के अलावा कुछ अंदरूनी चोटें पहुँचाई थी। डॉक्टर ने उसके बेटे को ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ और दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहने की सलाह दी। उसने अपने बेटे के मामले में कोई जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। वह अपने बेटे को डॉक्टर की सलाह के अनुसार
हॉस्पिटल में रहने देने को तैयार थी। त्रिशा ने रेस्टोरेंट को फिर से नहीं खोला, बल्कि पूरे दिन अभय की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में ही रही। एक नर्स अंदर आई और उसने देखा कि अभय अपने टैबलेट के साथ बिस्तर पर बैठा है। त्रिशा शायद यहाँ नहीं थी। अभय, तुम्हारी दवा का समय हो गया है, तुम्हारी माँ कहाँ है? अभय ने अपना सर ऊपर उठाया और नर्स को देखते हुए जवाब दिया, वह दादा दादी को पिकअप करने गई हैं। वह दादा दादी को लेकर कुछ ही देर में आ जाएगी। नर्स ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। मिस्टर एंड मिसेस तिवारी बहुत चिंतित थे जब उन्हें पता चला कि अभय हॉस्पिटल में एडमिट है। वह लोग खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उन्होंने पहले ही त्रिशा को बता दिया था कि अभय जब तक अब ठीक नहीं हो जाता वह उसकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल में ही रुकेंगे। पर मिस्टर एंड मिसेस तिवारी दोनों काफी बूढ़े थे और साथ में उनकी तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं रहती थी, इसीलिए अभय नहीं चाहता था कि वह दोनों यहाँ रहकर उसकी देखभाल करें और फिर बाद में उनकी तबीयत खराब हो जाए। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार अंत में अभय ने उन्हें वापस जाने के लिए मना ही लिया था। थोड़ी देर अभय के पास रुकने और समय बिताने के बाद वह दोनों वापस अपने घर चले गए थे। वही सभी नर्स आजकल अभय के आसपास ही ज्यादातर घूमा करती थी। उन्हें क्यूट सा अभय काफी पसंद था। नर्स ने पहले कभी अभय के जैसे सुंदर और गोल मटोल चेहरे वाला बच्चा नहीं देखा था। वह लोग उसकी क्यूटनेस देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। सभी नर्स को अभय से काफी लगाव हो गया था। उनमें से एक नर्स अभय के गालों को खींचते हुए कहती है, अभय तुम सच में एक प्यारे बच्चे हो और हम तुम्हें ऐसे पट्टियों के साथ बेड पर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चलो आओ, अब जल्दी से दवा ले लो, तुम्हारी दवा का अब टाइम हो गया है। तुम जितना जल्दी दवा खाओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू सिस्टर, अभय ने मुस्कुराते हुए नर्स से कहा और उसके हाथ से दवा लेकर खा ली। तभी वहां एक दूसरी नर्स जो अभी कुछ देर पहले दूसरे वार्ड में किसी मरीज की देखभाल कर रही थी, वह भी यहां आ गई। पहले तो वह अभय को देखकर मुस्कुराई और पूछा, तुम कैसे हो अभय? अभय ने भी स्माइल के साथ कहा कि मैं ठीक हूँ सिस्टर। फिर वह सामने खड़ी नर्स से पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसे बताने लगी, क्या तुमने सुना? अभिमन्यु रायजादा हमारे हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। वे इस शहर में कुछ फैक्ट्री और साथ में एक नया हॉस्पिटल खोलने का प्लान बना रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल उनके साथ मिलकर काम करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सामने खड़ी नर्स ने भी एक्साइटमेंट में पूछा, कब आ रहे हैं मिस्टर रायजादा? मुझे लगता है आज ही आएंगे, मैं तो जा रही हूँ, अभी से हाल में ही अब काम करूंगी, क्या पता वह कब आ जाए, इतना अच्छा मौका मिला है। मिस्टर रायजादा को देखने का क्या पता आगे फिर कभी मिले या ना मिले। ओ माई गॉड, मैं भी अभिमन्यु रायजादा से मिलना चाहूंगी, भले ही यह सिर्फ एक नजर के लिए ही क्यों ना हो, दूसरी नर्स ने उछलते हुए कहा। तभी पीछे से एक तीसरी नर्स जाकर उन दोनों को टोकते हुए कहती है, बहुत हो गया ऐसे उसके सपने देखना बंद कर दो, वे एक सेलिब्रिटी की तरह हैं। हम जैसे छोटी नर्स के पास उनसे मिलने का कोई तरीका नहीं है। अभय ने दो नर्सों के बीच की बातचीत सुनते हुए अपने टैबलेट पर आज की न्यूज सर्च करने लगा। उसने जब पेज ओपन किया तो उसमें फ्रंट पेज पर ही अभिमन्यु के कुछ फैक्ट्री को कोलकाता में खोलने और एक न्यू हॉस्पिटल खोलने की भी बात लिखी हुई थी और साथ ही अभिमन्यु रायजादा के इंस्पेक्शन के लिए कोलकाता आने की न्यूज दिखाई दी। अभय ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी घनी लंबी पलकों ने उसकी आंखों में आ रहे चालाकी के भाव को छिपा दिया। अभय अब मन ही मन बस अपने कंजूस पिता से मिलने के बारे में सोच रहा था। उसके लिए सबसे पहले उसे इन नर्स को चकमा देकर यहाँ से निकलना होगा और अपनी मम्मी के आने से पहले उसे यहाँ वापस आना होगा। अभय अभिमन्यु को टेस्ट करना चाहता था कि क्या वह सच में उसके प्लान में साथ देगा भी या नहीं, और वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता था कि क्या अभिमन्यु उसके प्लान में साथ देने के लिए एक परफेक्ट इंसान है भी या नहीं। अगर वह उसके सभी पैमाने को क्वालिफाई करता है तभी वह उसे अपने प्लान में मिलने के बारे में सोचेगा। पर अभय को कहीं ना कहीं भरोसा था कि अभिमन्यु ही वह इंसान है जो उसकी हर तरीके से मदद कर सकता है उसके माँ के गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए। अभय को अभी भी याद था कि उसके पिछले जन्म में कैसे उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसे अनाथालय भेज दिया गया था। अभिमन्यु ने उसे कुछ दिनों बाद अनाथालय में पाया था और वह उसे अपने साथ ले गया था।
हालांकि अभय अभिमन्यु के साथ नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी माँ की मौत के लिए अभिमन्यु को भी ब्लेम किया था। उसकी लापरवाही की वजह से उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। वह पहले क्यों नहीं आ सकता था? अगर अभिमन्यु उसे पहले ढूंढ लेता तो शायद उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब नहीं होता और उसकी माँ उसके साथ होती। अभय अभिमन्यु से नफरत करता था और उसे माफ करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसने उसे पिता कहने से भी इनकार कर दिया था और न ही उसने कभी अपने नाम में रायजादा सरनेम को जोड़ा। हालांकि उसने देखा था कि कैसे अभिमन्यु ने उन लोगों का पता लगाया जिन्होंने उसकी माँ को चोट पहुँचाई थी और उसकी हत्या में शामिल थे और उन सभी को दर्दनाक मौत दी थी। अभिमन्यु जब भी उसकी माँ के किसी भी कातिल के बारे में पता लगाता था वह हमेशा उसे साथ ले जाया करता था और फिर उसके सामने ही उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता था। उसने उन सभी को मारते वक्त बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी। उसने जितनी हो सकती थी उतनी ज्यादा क्रुएलिटी के साथ उन सभी को मारा था। अभिमन्यु की क्रुएलिटी देखकर उस समय के लिए तो अभय भी दंग था। उसने नहीं सोचा था कि उसका पिता इतना ज्यादा रूथलेस हो सकता है। उन सभी को मारने के बाद अभिमन्यु ने अपना बनाया हुआ अपना पूरा बिजनेस अंपायर अभय को दे दिया। उसने एक बार भी अभय को खुद को पिता कहने के लिए नहीं कहा था और ना ही उसके प्रति कोई अफेक्शन जाहिर किया था। त्रिशा के सभी कातिलों को मारने के बाद अभिमन्यु बिना एक भी शब्द कहे चला गया था। जब वह चला गया तो उसके हाथ में सिर्फ उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर थी। जब अब अभिमन्यु हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया तब अभय को एहसास हुआ कि दरअसल वह अभिमन्यु से नफरत नहीं करता था। उसने बस उस पर अपना गुस्सा निकाला था। लेकिन जब तक मैं अभय को एहसास हुआ तब तक मैं शायद बहुत देर हो चुकी थी। अभिमन्यु गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए उससे बहुत दूर चला गया था। लेकिन इस जन्म में थोड़ा मामला अलग था। अब अभय सोच रहा था कि जब उसे पता है कि उसके पिता कौन है और वह कितने पावरफुल है और साथ में पर काफी ज्यादा क्रूएल भी है तो इस बार अपने कंजूस पिता का इस्तेमाल न करना बेकार ही होगा। अभय जानता था कि वह अभी भी बहुत कमजोर है। हालांकि उसके परिवार की परेशानियां अभी शुरू ही हुई थीं, लेकिन वह किसी बड़ी मुसीबत का इंतजार नहीं कर सकता। उसे बहुत से काम करने थे। उसकी माँ लगातार बुरी किस्मत का सामना कर रही थी। उसके दादा और दादी बहुत बूढ़े थे और वह बहुत छोटा था। उसका परिवार या तो बूढ़ा था या कमजोर है। आने वाले तूफान का मुकाबला हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें एक पावरफुल और स्ट्रांग इंसान की जरूरत थी जो उन्हें इस मुसीबत में बचा सके और इस तूफान का डटकर सामना भी कर सके। अभय धीरे से अपनी नजरों को उठाया और नर्स की तरफ देखते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बहुत जोर से सूसू आई है। नर्स ने थोड़ा परेशान होते हुए अभय की तरफ देखा। उसे पता था कि अभय उन्हें लेकर वॉशरूम नहीं जाएगा। वह हर बार अकेले ही वॉशरूम जाता है, यहां तक कि वह त्रिशा को भी अपने साथ नहीं ले जाता था। इसलिए वह नर्स थोड़ी परेशान होते हुए बोली, तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि अकेले वॉशरूम जा सको, तुम्हें चोट लगी है, इसलिए एक अच्छे बच्चे बनो और मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वॉशरूम जाने में हर बार की तरह इस बार भी जिद मत करना अकेले जाने की। अभय ने अपना सिर उठाया। वह अभी भी मासूम प्यारा बच्चा लग रहा था। उसने बहुत ही मासूमियत से कहा, नहीं मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ, आप एक लड़की हो और मैं एक लड़का, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जा सकता। यह कहते हुए धीरे से बेड से नीचे उतर गया। नर्स अभय के शब्दों को सुनकर हैरान थी। वहीं छोटे बच्चे का कुछ नहीं कर सकती थी, यह शुरू से ही ऐसा था। नर्स ने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही, अब ठीक है ना। इतना कहने के बाद वह नर्स थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई, लेकिन वह वहां से गई नहीं। अभय को यह देखकर निराशा हुई और वह उदास मन से बाथरूम के अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर अपने बिखरे बालों को ठीक किया और एक गहरी आह भरी। उसने घड़ी में समय देखा, त्रिशा अभी घर गई थी लंच लेने, लेकिन अब उसके वापस आने का भी टाइम हो चुका था, मतलब उसके पास अभी समय नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का अभय ने मन ही मन को सोचा और फिर वापस बाथरूम से निकलकर हॉस्पिटल के बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर में त्रिशा लंच लेकर आ गई। उसने अभय को देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल की और उसके सर पर हाथ फेरा और उसका हाल चाल पूछते हुए अपने साथ लाए हुए खाने को सर्व कर दिया। फिर बड़े ही प्यार से त्रिशा अभय को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। तभी उसका फोन बजा। फोन पर दिख रहे नंबर को देखते ही अचानक से त्रिशा के माथे पर बल पड़ गया। वह थोड़ी परेशान हो गई। उसने जल्दी से फोन को उठाया और अभय के वार्ड से बाहर आ गई। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने फोन कॉल रिसीव किया। हेलो। इस वक्त त्रिशा के चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छे भाव नहीं थे।
क्या तुमने अपना मन बना लिया है? फोन कॉल के दूसरी तरफ के व्यक्ति ने बिना अपनी बातों को घुमाए एक बार में ही अपना सीधा सा सवाल पूछ लिया। त्रिशा ने शांति से जवाब दिया, मुझे माफ करें, मैं अपने रेस्टोरेंट की जगह को नहीं बेचूंगी, प्लीज मुझे फिर से फोन न करें। फोन पर मौजूद व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने कहा, जहां तक मैं जानता हूं, तुम एक अनमैरिड सिंगल मदर हो। अपने दम पर बच्चे को पालना आसान नहीं है और मैं यह अच्छे से समझता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि रेस्टोरेंट की कीमत बहुत कम है तो मैं 20,000 और जोड़ सकता हूं। त्रिशा ने हंसते हुए कहा, मैं इसे नहीं बेचूंगी, भले ही आप इसमें 2 मिलियन जोड़ दें। फोन कॉल के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने सार्केज्म से कहा, एक सलाह देता हूं आपको, जब आपके पास खुद को सहारा देने के लिए कोई अच्छा फाइनेंशियल सोर्स ना हो तो खुद को अमीर और दबंग दिखाने का नाटक नहीं करना चाहिए, इससे सिर्फ आप खुद को ही शर्मिंदा कर रहे होते हैं। त्रिशा ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, आपने सही कहा, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं आप लोगों के जैसे अमीर भी नहीं हूँ, पर मैं आपके जैसे गिरी हुई भी नहीं हूँ जो अपने से नीचे और कमजोर लोगों को दबाकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। इसके बाद त्रिशा ने उस आदमी की और कोई और बात नहीं सुनी और फोन कॉल कट कर दिया।